If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon on the YouTube app. Don't forget like, comment and share. Welcome friends to my channel Best For You. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पोएट्री को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ विद इको इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड करें. सो फ्रेंड, पिछली पोएट्री की वीडियो में बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा था कि इको को कैसे ऐड करना है और ड्राफ्ट को कैसे सेव करें. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करते हैं स्प्रेकर पॉडकास्ट स्टूडियो. और सेकंड ऐप है ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर. फ्रेंड्स, ये दोनों ऐप आप इंस्टॉल कर लें. मैंने कर लिए हैं, आप भी इंस्टॉल कर लें. सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऐप हैं, स्पीकर स्टूडियो और ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर. फिर हम चलते हैं, ओपन करते हैं ऑडियो रिकॉर्डर को और ब्लू बटन दबाकर इसे रिकॉर्ड करें शायरी को. काली चाय पीने वाले हमें कॉफ़ी क्या पिलाएंगे, काली चाय पीने वाले हमें कॉफ़ी क्या पिलाएंगे, और जिन्हें इश्क का ई भी नहीं पता वो इश्क क्या सिखाएंगे. अब इसे एडिट करते हैं इको के साथ, क्लिक करें. काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, और जिन्हें इश्क का ई नहीं पता वो हमें इश्क क्या सिखाएंगे. अब इसे पोएट्री के नाम से सेव कर दें ताकि आपको सर्च करने में, इसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सेव. सो फ्रेंड्स, अब हमें जाना है फाइल मैनेजर में. फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएं. और वैसे तो आपकी इस ऐप से आपकी रिकॉर्डिंग ढूंढना बड़ी मुश्किल होगा, पर आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं या फिर आप एंड्रॉयड फाइल में जाकर ढूंढ सकते हैं. ये देखिए, जो पोएट्री अभी आपने रिकॉर्ड की थी वो पोएट्री यहाँ पर मूव कर दें इंटरनल स्टोरेज में, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सामने ही मिल जाएगी. सो फ्रेंड, एक काम ख़त्म हो गया, अब हम जाते हैं स्पीकर स्टूडियो में और सबसे पहले जाएं प्लेलिस्ट में. प्लेलिस्ट में ऐड न्यू सॉन्ग, मतलब पोएट्री का बैकग्राउंड म्यूज़िक. फ्रेंड्स, पोएट्री का बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दें. अब जाते हैं इफ़ेक्ट में. इफ़ेक्ट में इफ़ेक्ट पर एडिट इफ़ेक्ट पर क्लिक करें और जो क्रॉस दिख रहा है वहाँ पर किसी भी क्रॉस पर टच करके प्लस पर ऐड करें. ऐड मतलब अपनी शायरी जो आपने अभी रिकॉर्ड की है पोएट्री, वो यहाँ पर ऐड करें. तो हम जाते हैं फाइल मैनेजर में. ये देखिए, मार्क लगाकर ओके कर दें, वहाँ पर ऐड हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, अब रेडी हो चुका है, अब आपको रिकॉर्ड करनी है. रिकॉर्ड प्ले. काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, और जिन्हें इश्क का ई नहीं पता वो हमें इश्क क्या सिखाएंगे.
प्ले करके देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग हुई। काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, और जिन्हें इश्क का ई नहीं पता वो हमें इश्क क्या सिखाएंगे। इसे सेव टू ड्राफ्ट में सेव करें। सो फ्रेंड्स, कई लोगों ने पूछा था कि इसे हम लोगों को शेयर कैसे करें और अपने फाइल मैनेजर में कैसे सेव करें, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ, अब चलते हैं फाइल मैनेजर में। और किसी भी ऐप की फ़ाइल आपको एंड्रॉयड फाइल में मिलेगी, तो आप एंड्रॉयड फाइल में जाइए, उसका आइकन पहचान के उसे ओपन करें, आपको उसकी फ़ाइल मिल जाएगी। ये देखिए, ये है स्पीकर पॉडकास्ट स्टूडियो का आइकन, इसे ओके करें। ये देखिए, जो रिकॉर्डिंग अभी की थी वो यहाँ पर है, MP3 में ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट है, आप इसे यहाँ पे प्ले करके सुन सकते हैं। अभी मैं सुनाऊँगा। काली चाय पीने वाले हमें कॉफी क्या पिलाएंगे, काली चाय। स्टॉप। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप अपने फ्रेंड को यहाँ से यहाँ पे मार्क लगाकर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और फाइल मैनेजर में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव करें या फिर किसी को भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम आए, और डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड शेयर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूँ। थैंक यू।